अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से, ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। अच्छा जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड, और ये प्राइवेट बैंक है बैंक अल हबीब लिमिटेड। पाकिस्तान का बहुत मशहूर बैंक, काफ़ी पुराना बैंक है और बहुत फेमस बैंक है। आपको हर एरिया में, हर इलाके में, हर टाउन में इसकी ब्रांचेस मिल जाएगी, बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो जनाब, इसकी प्रोडक्ट है मंथली सेवर अकाउंट। सबसे अच्छी बात है, जैसे इसके नाम से ही शामिल है, मालूम चलता है कि इसका आपका जो प्रॉफिट है वो हर महीने मिलेगा, मंथली सेवर अकाउंट। तो चूंकि इसका प्रॉफिट अच्छा है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अच्छा, इस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन चूंकि इसका प्रॉफिट रिवाइज हो चुका है 1 जुलाई से, तो हमने सोचा इस पर एक नई वीडियो बनानी चाहिए। जनाब, फ्रंट पे ही आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ही कि इसका जो प्रॉफिट रेट है वो आपका 20% है, और जो है ये आपको मंथली प्रॉफिट आपके अकाउंट में मिलेगा। अच्छा जनाब, इसके अलावा कह रहे हैं कि आप जो प्रॉफिट है वो चेक के ज़रिए या फिर एटीएम कार्ड के ज़रिए विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, देखते हैं जो अदर बेनिफिट्स हैं वो क्या है इस अकाउंट के। फर्स्ट ऑफ पहले नंबर उन्होंने बता रहे हैं, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम की बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। फ्री अल हबीब मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है, अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, ठीक है, ई स्टेटमेंट फ्री है, प्रीफेंशनल रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी मौजूद है, मंथली प्रॉफिट पे आउट बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट भी बता चुका है आप लोग, चेकबुक फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर सेविंग अकाउंट पे जो है वो ज़कात भी डिडक्ट होती है, तो आप चाहते हैं कि ज़कात डिडक्ट ना हो तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे आप, तो ज़कात डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है विथ होल्डिंग टैक्स है ऑन कैश विड्रॉवल, तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे, या तो आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक के थ्रू करें, पे ऑर्डर की तरह, डिमांड ड्राफ्ट की थ्रू करें, या फिर चेक के ही थ्रू, आपने कैश के थ्रू करना है तो 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें पर डे, तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स तो आपने पे करना ही करना है, फाइलर पे 15% है, नेट फाइलर पे 30% है। तो अभी जब मैं आपको प्रॉफिट की डिटेल बताऊँगा, नेट प्रॉफिट, तो उसमें आपको बताऊँगा कि इस पर 15% रुपये टैक्स कितना है और 30% रुपये टैक्स कितना है और नेट प्रॉफिट आपको कितना बचेगा। अच्छा जनाब, अकाउंट्स ओपनिंग की बात कर लें, अकाउंट किस तरह खुलेगा, तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, एक आपके NIC की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, और दूसरा आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में जनाब आपका या तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे दें आप, या फिर जॉब कार्ड की कॉपी दे दें, और अगर ये दोनों चीज़ नहीं तो अपनी कंपनी या की तरफ से एक लेटर लिखवा लें बैंक के नाम के कि हमारा एम्प्लॉयज़ की मंथली इतनी इनकम है और इसका आप अकाउंट खोल दें, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक फॉर्म देंगे आप, ब्रांच वाले आपको फॉर्म भर के साइन करके दे दीजिएगा, या फिर सिर्फ साइन कर दीजिएगा, ब्रांच वाले खुद ही फॉर्म भर देंगे तो सिंपली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। ये देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका इसका प्रॉफिट है 20.60% है पर annum। अब हम देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट क्या बनता है। देखें, साल का जो प्रॉफिट बन रहा है आपको 20,600 बन रहा है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है। मंथली प्रॉफिट बनेगा आपको 1,717 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा और टैक्स के अमाउंट बनेंगे 258 रुपये, और टैक्स काटने पर 1,460 रुपये 1,00,000 पे हर महीने आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा अगर आप फाइलर हैं तो, 1,00,000 पे 1,459। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम नॉन फाइलर की। तो जनाब, नॉन फाइलर पे 30% टैक्स है, जो आपका मंथली प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा, सॉरी, आपका जो साल का प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 20,600, मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका 1,717 रुपये, 30% टैक्स है तो जिसकी अमाउंट बनेगी 1,515 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे नॉन फाइलर पे 1,212 रुपये आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। तो यानी कि नॉन फाइलर पे 1,212 रुपये और फाइलर पे 1,460 रुपये मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा 1,00,000 पे। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो, मंथली बैंक अल हबीब की प्रोडक्ट है, नाम नोट कर लें इसका, बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट।
उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।